हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस टाइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, भारत में परमाणु ऊर्जा। ठीक है, कि कैसे शुरुआत हुई, टोटल जो इसकी क्षमता है वो कितनी है, ठीक है, और कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, किसको जो है परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है हम परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, भारत में अगर हम परमाणु ऊर्जा की कुल क्षमता की बात करें, परमाणु ऊर्जा की अगर कुल क्षमता की बात करें तो वो कितनी है, 6780 मेगावाट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो परमाणु ऊर्जा जो स्थापित है उसकी जो कुल क्षमता है, टोटल जो क्षमता है वो कितनी है, 6780 मेगावाट है। ओके, और ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा की, ये चीज आप याद रखिए, भारत में जो परमाणु ऊर्जा की जो कुल संस्थापित क्षमता है वो 6780 मेगावाट है। ठीक, ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर होमी जे मीन्स जहांगीर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ओके, इन्हीं के प्रयासों से जो था 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी, डॉक्टर होमी जे भाभा के प्रयासों से ही हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, यहां से क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी जो स्थापना हुई ये भी 1948 में हुई थी, और परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी जो स्थापना हुई वो भी 1954 में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, आयोग और विभाग में। परमाणु ऊर्जा आयोग जो बनाया गया, ये क्यों बनाया गया था, परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु जो नीति निर्माण की जो कार्य होती हैं उसको, उसके लिए जो थी ये बनाई गई थी। और विभाग क्यों बनाया गया, परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को बनाया गया था। तो अनुसंधान केंद्र भी पूछा जाता है, आयोग भी और विभाग भी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। 1948 और 54 में जो थी इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके, फिर एक और आता है, बार्क की स्थापना पूछा जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, एक तो फुल फॉर्म आती है इसकी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी ये कब हुई, 1954 में हुई, जब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई 1954 में, तभी जो है बार्क की स्थापना हुई। और ये कहां पर की गई, इसकी स्थापना या हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है, तो मुंबई ट्रांबे में जो थी इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई ट्रांबे। ओके, और यहीं पर जो है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, ये भी क्वेश्चन आते हैं, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा, उसको भी जो था यहीं पर स्थापित किया गया था। ठीक है, 19 बार्क में, बार्क की स्थापना जो थी ये परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान करने के लिए जो थी की गई थी। ठीक है, फिर आता है कि भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया, पहले की बात हो रही है, देखिए जो सबसे पहला खोला गया, पहला परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहां पर स्थापित किया गया था, तो ये 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में। अब क्वेश्चन आता है कि किसकी हेल्प से ये परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, तो यूएसए की हेल्प से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये याद रखिए,
ओके अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है। भारत में अगर हम अभी बात करें तो 8 परमाणु विद्युत ग्रह हैं, 8 टोटल 8 जो है परमाणु संयंत्र हैं, ओके। और इन 8 विद्युत ग्रहों में 22 परमाणु रिएक्टर जो है वो एक्टिव है। 22 परमाणु रिएक्टर जो है वो क्या है, एक्टिव मतलब एक्टिव है ये कह सकते हैं, ओके। तो 8 परमाणु संयंत्र पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला जैसा कि हमने पढ़ा, जो सबसे पहला स्थापित किया गया वो कौन सा था, तारापुर था। तारापुर कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। किसकी हेल्प से स्थापित किया गया, यूएसए की हेल्प से स्थापित किया गया था, ठीक है। इसमें जो है पर्टिकुलर जगह का नाम भी दे सकते हैं, तो महाराष्ट्र में जगह है पालघर, पालघर में जो है ये तारापुर विद्युत ग्रह या तारापुर परमाणु संयंत्र है, ओके। 1969 में इसको स्थापित किया गया था और इसकी जो क्षमता है इसकी 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट, ठीक। चलिए अभी आता है सेकंड, रावत भाटा की अगर मैं बात करूं तो ये है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहां पर है, राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में। इसको जो था किसकी हेल्प से स्थापित किया गया था, कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, 1973 में। और इसकी जो क्षमता है वो है 1180 मेगावाट, ठीक है, ओके। चलिए तीसरा आता है, जो तीसरा संयंत्र जो था खोला गया वो था काकरपारा। काकरपारा परमाणु संयंत्र या विद्युत संयंत्र जो भी आता है ये काकरपारा की अगर हम बात करें तो ये सूरत गुजरात में है और ये किसी और देश की सहायता से नहीं स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसको मतलब ओपन जो किया गया है 1993 में किया गया। इसकी जो क्षमता है वो 440 मेगावाट है, ओके। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है जैतपुरा। ये जैतपुरा भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में देखा मैंने जैतपुरा का कि ये कहां पर है। तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और इसको लगाया गया था 1972 में, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो है 9900 मेगावाट है, ठीक है। अगला है नरोरा जो है कहां पर है, बुलंदशहर में। बुलंदशहर किस राज्य में है, ये यूपी में है। और इसको स्थापित किया गया 1989 में और इसकी जो क्षमता है वो भी 440 मेगावाट है, सेम काकरपारा वाली, ओके। उसके बाद आते हैं कल्पक्कम, सिक्स नंबर पे है कल्पक्कम। कल्पक्कम की अगर हम बात करें तो कल्पक्कम है कांचीपुरम में। कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। जो सबसे नया संयंत्र लगा है वो भी कहां पर है, तमिलनाडु में ही है, पढ़ेंगे हम, ओके। ये 1989 में स्थापित किया गया और ये स्वदेशी है, मतलब किसी और देश के हेल्प से नहीं बनाया गया है। इसकी जो क्षमता है वो है 440 मेगावाट है, ठीक है। सेवेंथ है कैगा जो संयंत्र है ये उत्तर कन्नड़ में है, मतलब जिले का नाम है, यानी कि कर्नाटक में है कैगा। और इसको 2000 में स्थापित किया गया था फ्रांस की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फ्रांस की हेल्प से। और इसकी जो क्षमता है 840 मेगावाट है, ओके। अब आती है बात सबसे नए संयंत्र की और जिसकी क्षमता भी सबसे ज्यादा है, वो है कुडनकुलम विद्युत संयंत्र। कहां पर है ये, तमिलनाडु में है ये, तमिलनाडु। इसको स्थापित किया गया 2017 में किस देश की हेल्प से, रूस की सहायता से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। एक तो ये कि सबसे नया जो संयंत्र लगा है वो कहां पर लगा है, तो तमिलनाडु में है, कुडनकुलम है। 2017 में इसको स्थापित किया गया किस देश की सहायता से, तो रूस की सहायता से। और उसकी क्षमता भी सबसे ज्यादा है, कितनी है, 2000 मेगावाट है। तो सबसे बड़ा पूछा जाता है कि संयंत्र कौन सा है, तो कुडनकुलम विद्युत संयंत्र जो है सबसे बड़ा है, ओके। परमाणु या विद्युत ग्रह का नाम जो है वो है कुडनकुलम। ठीक है, तो ये चीजें इसमें याद रखिएगा, ओके। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत के जो 8 के 8 विद्युत ग्रह हैं, इनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इनका संचालन होता है NPCIL के द्वारा। यहां लिख देती हूं मैं,
एनपीसीआईएल के द्वारा जो है इन आठों का जो है संचालन किया जाता है। एनपीसीआईएल क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके द्वारा जो है इनका संचालन जो है किया जाता है। अब यहां से अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपको बताया साथ साथ, जैसे सबसे पहला पूछा जा सकता है कहां पर स्थापित किया गया, और जो मेनली देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि कौन सा जो है कहां पर है। मिलान वाले ज्यादा आते हैं इसमें, जैसे तारापुर को मैच करना है कि कौन से राज्य में, फिर काकरपारा को मैच करना है, ओके, तो इस तरीके के, या फिर इनको किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मेनली यहां पर आप तमिलनाडु का जरूर याद रखिये क्योंकि सबसे नया संयंत्र है और इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, और एक सबसे पहले वाला इंपॉर्टेंट होता है और सबसे लास्ट, अदरवाइज सारे ही होते हैं, लेकिन जो मेनली पूछे जाते हैं या तो पहला पूछेंगे या जो सबसे नया होगा उसको पूछा जाएगा, ओके, तो ये आपको याद रखना है। या फिर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा संयंत्र, तो वो भी लास्ट वाला थोडनकुलम संयंत्र हो जाएगा, 2000 मेगावाट इसकी क्षमता है, ओके, तो ये चीजें बस इसमें आपको याद रखनी है। तो यही था टॉपिक, ओके, थैंक यू सो मच।